नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप स्वागत करता हूं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि शिक्षक भर्ती कोर्ट ऑर्डर अपडेट्स, एमआरसी को लेकर सुनवाई, कोर्ट में घमासान और तदर्थ शिक्षक को बाहर आकर इतने हजार पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती, आवेदन कब से और एग्जाम नियुक्तियाँ, सी टेट 2020 परीक्षा तिथि, यूपी टेट आवेदन इसी माह, और 12 लाख आवेदन नई शिक्षक भर्ती में और 15 लाख बीएड बेरोजगार। दोस्तों, आज इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, आप सबको बता चलें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की जो उम्मीद 8-9 के आसपास लगाई जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 8-9 के आसपास नहीं आ पाया, क्योंकि 8-9 की जो क्लोज लिस्ट जारी हो चुकी है तो उस क्लोज लिस्ट में अपने केस का नंबर नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है अगर सप्लीमेंट्री की लिस्ट आती है तो लगभग वो 12 से 14 घंटे से पहले सप्लीमेंट्री किस्ट जारी होती है, उम्मीद की जा सकती उसमें 1% आने की संभावना है। और वहीं बात चले जो 22,000 सीटों को लेकर जोड़ने की जो सुनवाई थी वो 14 सितंबर में होने जा रही है, तो उससे पहले आदेश आने की कोई भी संभावना नहीं है। और वहीं आप सबको बता चलें कि दो महत्वपूर्ण मुद्दे और भी हैं जो एमआरसी मुद्दा और उत्तर कुंजी विवाद को लेकर भी है। आप सबको बता चलें कि एमआरसी का जो मुद्दा है, एनसीबीसी आयोग ने सख्त स्पष्ट कह दिया है कि भर्ती भी एक इंच तक भी नहीं हिलेगी जब तक कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, सारा डाटा हमारे पास नहीं आ जाता। और वहीं बात करते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर कि तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा भारांकन। आप सब जानते हैं अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो 2000 के बाद में तदर्थ शिक्षक थे उन सभी को हटाने के लिए आदेश जारी दिया था, तो और नई टीजीटी शिक्षक भर्ती आनी है। और वहीं आप सबको बता चलें कि अब जो टीजीटी भर्ती की उम्मीद सितंबर के लास्ट अक्टूबर में की जाए थी, अब मुश्किल होगा क्योंकि पहले तदर्थ शिक्षकों के का डाटा छट जाएगा, उसके पश्चात ही नई भर्ती आ पाएगी। आप सबको बता दें कि सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की तर्ज पर भारांकन दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित भारांकन परीक्षा में भारांकन दिया जाएगा। यदि शिक्षक सामान्य भर्ती में तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को भी रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा और जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तदर्थ शिक्षकों के शिक्षा मित्रों की तर्ज पर ही सामान्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और बनने वाले मेरिट में उनका भारांकन जोड़ा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती का आदेश भी दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने के केस में लगभग 2000 याचिका जुड़े हैं। हालांकि तदर्थ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश में लगभग 17,000 तदर्थ शिक्षक हैं और 16,000 शिक्षकों के पदों पर होनी है भर्ती। प्रवक्ता सेवा चयन बोर्ड 16,000 पदों को चिन्हित कर भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं, लेकिन अव्वल तो यह है कि नियमित भर्ती नहीं की जा रही है और जो भर्ती होती है वह विवादों में फंस जाती है। लगभग 10 सालों में 2011, 13 और 16 में चयन बोर्ड ने भर्ती की है, लेकिन अभी तक 2011 तक की भर्ती पूरी नहीं हो चुकी है। और वहीं बात करें खाली रह गए पद, अब भर्ती का इंतजार। आप सब जानते हैं कि लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा कराई थी, उसमें कुछ विषयों के रिजल्ट जारी किए हैं किंतु उन्हें उन पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में पद भरे नहीं जा सके। खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकालना होगा, लेकिन विज्ञापन कब निकलेगा उस पर असमंजस है क्योंकि आयोग अभी पहले से तय भर्तियों को पूरी करवा रहा है। आयोग की कार्यप्रणाली को देखकर साफ नजर आ रहा है कि प्रतियोगियों को भर्ती के लिए महीनों इंतजार करना पड़ेगा। और लोक सेवा आयोग ने जनवरी 2020 तक कई रिजल्ट जारी किए हैं कि जिसमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने से काफ़ी पद खाली रह गए हैं। एलटी के 2018 जेई चिकित्सा अधिकारी, डेंटल सर्जन, डाइट प्रवक्ता जैसे
काफी पद खाली छोड़ दिए गए हैं, जबकि हर भर्ती में अपेक्षा से कम अधिक आवेदन हुए। कुछ भर्तियां ऐसी भी थी जिनमें एक पद भी हजार अभ्यर्थियों के बीच भी टक्कर थी। एलटीके शिक्षक भर्ती में परीक्षा 2018 में आयो परीक्षाओं में एक है जिसमें जो कि 15 विषयों में लगभग 10,768 पदों के लिए भर्ती लिखनी थी, लेकिन 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 13 विषयों के 7,480 पदों पर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अंग्रेजी में 1, गणित में 600, विज्ञापन में 461, कला में 2, कंप्यूटर में 1637 और उर्दू में 8। सारी शिक्षा में 28 पद खाली रह चुके हैं। कि आयोग के सचिव जगदीश सिंह का कहना है कि जिन विभागों की भर्तियां में पद खाली रह गए हैं उन विभागों के अध्यक्ष भेजना होगा और अध्यक्ष आने पर ही आयोग विज्ञापन भर्ती निकाल कर कराएगा। दोस्तों ये थी न्यूज जो हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।